हेलो गाइस एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद एसके। मैं हूं सुनील और ऑब्वियस सी बात है आप प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में आप सोच रहे होंगे कि एक्सटर्नल कौन से क्वेश्चंस करेगा। तो शुरुआत करते हैं कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपसे क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन का आपको जवाब दूंगा मैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हो सकता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताएं। तो ये तो आपको खुद को अपने हिसाब से एक बिल्कुल कॉन्फिडेंस भरा हुआ, आत्मविश्वास भरा हुआ एक आंसर होना चाहिए कि नाम क्या है मेरा और मेरी हॉबीज क्या है, इंटरेस्ट क्या है, मेरी में खास बात क्या है, मेरे एम्बिशंस क्या है। तो ये आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, व्हाई डिड यू चूज दिस पर्टिकुलर टॉपिक, आपका जो भी टॉपिक है ना। अब टॉपिक कौन से हो सकते हैं, टॉपिक आपको मालूम है या तो आप जो है अपने सब्जेक्टिव टॉपिक ले, यानी माइक्रो मैक्रो उसमें से कुछ ले, या फिर आप कोई एक्सटर्नल टॉपिक, इट मींस आप जो है जीएसटी को ले सकते हैं या डिमोनेटाइजेशन को ले सकते हैं या किसी और टाइप का टॉपिक ले सकते हैं। अब आपने जो भी टॉपिक चूज किया वो क्यों किया है वो तो आपको ही बताओगी, तो ये आपको प्रिपेयर रहना है। नेक्स्ट, आमतौर पर यदि इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो इकोनॉमिक्स में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर करते हैं। जैसे से फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कर्व बना दिया, मैं आपको बताता हूँ। ये से फॉर एग्जाम्पल आप एक कर्व बनाया, पूछा ये किस टाइप का, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको बताना है कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है। ये मार्जिनल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो किसी भी टाइप का कर्व बना दिया, उसका नेचर पूछ सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा कि ये किस टाइप की, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आपको बताना है डिमांड कर्व है। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, तो आपको पता होना चाहिए सप्लाई को रिप्रेजेंट करती है इस टाइप की पॉजिटिव लाइन। यदि मान लीजिए ऐसा ग्राफ है तो ये पॉजिटिव लाइन है, सप्लाई को रिप्रेजेंट करेगी। आपसे पूछा कि ये इस टाइप का कर्व जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो कर्व होगा वो इनडिफरेंस कर्व है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो है कर्व के नेचर वगैरह जो है आपको पता होना चाहिए। खैर नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट और क्वेश्चन क्या हो सकता है। एक और क्वेश्चन हो सकता है जो कि प्रोड्यूसर बिहेवियर से रिलेटेड है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, या उसके सेकंड पेज या थर्ड पेज इनका नेचर कैसा है वो आपको समझाना है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की जब भी बात आ रही है, इट मीन्स आपको सिंपली आपको बताना है मार्जिनल प्रोडक्शन के बारे में कि मार्जिनल प्रोडक्शन एक लेवल तक इंक्रीज होता है, उसके बाद में जीरो हो जाता है, उसके बाद नेगेटिव होता है। तो जब तक वो इंक्रीज हो रहा है इसको हम फर्स्ट फेज बोल रहे हैं, इसको सेकंड फेज, उसको थर्ड फेज। अब मार्जिनल प्रोडक्शन के बेसिस पर ये डिसाइड होगा कि टोटल प्रोडक्शन का नेचर कैसा होगा, राइट। जब तक ये पॉजिटिव रहेगा तब तक मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा, और जब ये नेगेटिव होगा तब मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो डाउनवर्ड चला जाएगा। तो टोटल प्रोडक्शन का नेचर भी डिपेंड कर रहा है मार्जिनल प्रोडक्शन पर। उसके अलावा एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसका जवाब इसमें छुपा हुआ है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पहले वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई मार्जिनल कॉस्ट इज यू शेप, मार्जिनल कॉस्ट का नेचर यू शेप क्यों है। देखिए मार्जिनल प्रोडक्शन का नेचर एन शेप है और ये है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन का नेचर जो है एन शेप है और ये है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इट मींस कि एक लेवल तक प्रोडक्शन बढ़ता है, उसके बाद प्रोडक्शन जो है डिक्रीज होने लग जाता है। तो एक सिंपल सी बात रही कि मार्जिनल प्रोडक्शन यदि बढ़ रहा है, यानी कि हमको ज्यादा प्रोडक्शन मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा खर्च क्या आएगा, कम। और जब प्रोडक्शन कम होगा तो हमारा खर्च क्या होगा, ज्यादा। यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन का जस्ट अपोजिट क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्शन चूंकि एन शेप है, इस वजह से मार्जिनल कॉस्ट जो है वो यू शेप है, राइट। इसको हम न्यूमेरिकली मैंने पहले किया भी है, आप चाहें तो उसको पूरा एक वीडियो देख सकते हैं व्हाई मार्जिनल कॉस्ट इज यू शेप। तो उसको मैंने कंप्लीटली अच्छे समझा रखा है, बट हाँ इसका सिंपल आंसर हुआ कि बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मार्जिनल प्रोडक्शन इज एन शेप। इट मींस फर्स्ट इट इंक्रीज अप टू ए पर्टिकुलर लेवल, देन इट गोज ऑन डिक्रीजिंग अप टू इट रीचेस टू जीरो, और देन इट गोज ऑन नेगेटिव। तो एज द मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज द मार्जिनल कॉस्ट विल डिक्रीज। भाई आप कम समय में ज्यादा बना पाएंगे तो खर्चा कम आएगा, और यदि आप कम बना पाएंगे, यदि आपका प्रोडक्शन कम होगा तो आपका खर्चा ज्यादा आएगा, राइट। आप यदि ज्यादा समय लग रहा है आपको बनाने में, आपको यानी कि आप कहें कि आप कम बना पा रहे हैं, कम बना पा रहे हैं खर्चा ज्यादा आएगा, ज्यादा बना पा रहे हैं खर्चा कम आएगा, राइट।
तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो यूज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स आपने ओबीसी बात पहले पढ़ा तो होगा, बट फिर भी इसमें एक टिपिकल क्वेश्चन ये हो सकता है कि डिमांड जो है वो डिमांड इंडिविजुअल डिमांड मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड में डिफरेंस क्या है। इंडिविजुअल डिमांड इट मीन जब एक व्यक्ति किसी पर्टिकुलर चीज को मतलब किसी पर्टिकुलर एक क्वांटिटी को कितना खरीदना चाहता है वो इंडिविजुअल डिमांड है। किसी एक ही चीज को मान लीजिए मार्केट में तीन कस्टमर है तो तीन कस्टमर मिल करके किसी पर्टिकुलर प्राइस पर तीनों मिलकर कितना खरीदना चाहते हैं, पर चीज एक ही है। लेकिन जब बात एग्रीगेट डिमांड की हो रही है तो एग्रीगेट डिमांड इट मीन टोटल खर्चा। भाई आप जब इंडिविजुअल डिमांड की बात कर रहे हैं तो किसी एक व्यक्ति के खर्चे की बात हो रही है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये पेन है, ये पेन 20 रुपीज का है, आप 5 पेन खरीदना चाहते हैं, इसमें आप खर्च कितना करना चाहते हो, 100 रुपए खर्च करना चाहते हो, तो ये किसी एक व्यक्ति का खर्च बता रहा है। ऐसे यदि मान लो तीन लोग होंगे तो 300 रुपए खर्च हो जाएगा, तो वो मार्केट डिमांड को बता रहा है। लेकिन जब आप पूरे देश में जितनी भी अवेलेबल चीजें जितनी भी क्वांटिटी है वो सभी क्वांटिटी को सभी लोग मिलकर के कितना खरीदते हैं, इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि लोगों टोटल एक्सपेंसेस कितना करते हैं। टोटल एक्सपेंसेस का नाम ही एग्रीगेट डिमांड है। तो टोटल एक्सपेंसेस एग्रीगेट लेवल पे मतलब सभी पूरे देश के लोग सारे चीजों को मिलकर के कितना खरीद रहे हैं तो टोटल खर्च कितना कर रहे हैं उसका नाम एग्रीगेट डिमांड है। ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप लॉ ऑफ डिमांड क्या है, या लॉ ऑफ डिमांड से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और ये हो सकता है कि जब आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो आप कहते हैं, या जब डिमांड पढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि भाई डिमांड जो है डिमांड और प्राइस में इन्वर्स रिलेशनशिप है, यानी कि जब प्राइस कम करोगे तो जो है प्राइस कम होगी तो डिमांड जो है ज्यादा होगी और प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड कम होगी। लेकिन जब आप फाइनली आप जब मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ाते हैं तो आप बोलते हैं कि भाई जैसी डिमांड बढ़ेगी वैसे ही प्राइस बढ़ जाएगी। तो यहां पर तो आप बोलते हैं कि डिमांड में और प्राइस में जो है रिलेशन नेगेटिव है ना, कि डिमांड कम हुई तो प्राइस बढ़ जाएगी और प्राइस कम हुई तो डिमांड, यहां तो आप इनवर्स रिलेशनशिप बताते हैं। लेकिन जब मार्केट इक्विलिब्रियम की जब हम बात कर रहे हैं तब हम ये क्या बोलते हैं कि डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़ गई, डिमांड बढ़ रही तो प्राइस बढ़ गई। तो यहां पर आप नेगेटिव बात कर रहे हैं, यहां पर पॉजिटिव बात क्यों कर रहे हैं, ये एक बेसिक क्वेश्चन हो सकता है। बिल्कुल सिंपल वर्ड में आप ये समझा सकते हैं कि डिमांड जो है कंज्यूमर की साइकोलॉजी क्या है। कंज्यूमर की साइकोलॉजी ये है कि भाई मैं कम से कम कीमत में चीजें खरीदूं। लेकिन फिर उसके बाद में सप्लायर के बारे में पढ़ा तो सप्लायर चाहता है कि मैं ज्यादा 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 कीमत में चीजें खरीदूं। अल्टीमेटली होगा वही जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट हो जाए, यानी कि जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट हो जाए वहीं पर जो है इक्विलिब्रियम बन जाता है और वहीं पर प्राइस सेट हो जाती है। अब जब किसी और वजह से, प्राइस की वजह से नहीं, किसी और वजह से डिमांड बढ़ रही है तो जो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है सेट यहां पर बढ़ जाएगी और इक्विलिब्रियम प्राइस भी जो है वो बढ़ जाएगी। तो आपको ये बताना है कि ये अल्टीमेटली आउटकम है, या हम बात कहें कि ये अल्टीमेटली डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्ट होने से जो इक्विलिब्रियम बन रहा है वो इक्विलिब्रियम प्राइस है। और यहां पर यदि हम बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप बता रहे हैं, राइट। लेकिन यहां पर हम ओवरऑल उसका कंट्रोल जेनेटिक मीन्स यहां पर अदर फैक्टर वगैरह सारी चीजें शामिल है, राइट है। और अल्टीमेटली क्या होगा वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। डिमांड और जब प्राइस की हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम इस एक कर्व की बात कर रहे हैं, वो कर्व पे मूवमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम मार्केट को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम अदर फैक्टर को भी यहां पर इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक। खैर हो सकता है थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन हो गया हो, लेकिन इसके लिए आप थोड़ा समझ करके आप अपने हिसाब से उसको कंक्लूड कर सकते हैं, कम वर्डों में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, यदि आप बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल एग्जाम की तो इसमें क्वेश्चन हो सकते हैं आपको कि बजट कब रिप्रेजेंट किया जाता है, गवर्नमेंट बजट के कौन कौन से पार्ट हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होती है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट में आप फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में बताएं, या मेनली जो आपके जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो हो सकते हैं आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही।
अब मैं मान लेता हूं कि आपका प्रोजेक्ट है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पर, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पर, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से रिलेटेड आपको सारी चीजें पता होना चाहिए, जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो लागू होता है या नहीं होता है, या इसमें आरबीआई का क्या रोल है, या मान लीजिए आपने प्रोजेक्ट बनाया है मार्केट इक्विलिब्रियम पर या डिमांड पर बनाया है, तो उससे रिलेटेड आपको चीजें पता होना चाहिए। खैर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसमें क्वेश्चन हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उससे रिलेटेड मैं आंसर दूं, तो आप मुझे कमेंट में लिखें कि मेरा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ये है और तो उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, मैं इसका जरूर वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।